बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सिंह ने कहा, कांग्रेस पिछले 56 सालों से दलितों को लेकर राजनीति कर रही है, जिसे अब दलित पहचान चुका है। साथ ही राकेश सिंह ने आगामी उपचुनाव को लेकर कहा, ऐसी कोई भी सीट नहीं जिस पर उन्हें पार्टी की स्थिति कमजोर नजर आ रही हो। जिसके बाद पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया समर्थित 22 पूर्व विधायकों का बीजेपी में आदर और सम्मान हुआ है। वहीं उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी से जुड़े मामले पर कहा, वो लगातार पार्टी की गतिविधियों में बने हुए हैं, इसलिए उन पर कोई भी बात अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने दलित भाइयों के नाम पे, आदिवासी भाइयों के नाम पे, आरक्षण के नाम पर अपना वोट बैंक बनाया, लेकिन हमेशा उनका उपयोग किया। अगर उनकी मंशा वास्तव में उनको लाभ पहुंचाने की होती तो जिस पार्टी ने देश में आज़ादी के बाद 56 सालों तक शासन किया, उनके रहते हुए 56 साल सरकारें रहते हुए आज की सरकारों को उस वर्ग की चिंता नहीं करना पड़ती। और इसलिए आज अगर उन्होंने जो किया है तो उनके कल्चर का हिस्सा, संस्कृति का हिस्सा है। जहाँ तक सवाल उपचुनाव का है, 24 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से हमेशा तैयार रहती है, कि टीम की तैयारी चुनाव की दृष्टि से हमेशा रहती है, रणनीतिक तैयारियां हमारी बदलती रहती हैं, जिसका जिक्र समय समय पर आपके सामने पार्टी करती भी है। लेकिन जहां तक मैदानी लड़ाई का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर तैयार है। 24 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती।